के जो एपिसोड में फोटोशूट किया था वो आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं दिया देखा होगा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिया हूँ और वो आप ओपन करके देख सकते हो फोटो कैसे शूट किया है। तो आज जो एडिटिंग करके दिखाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए। ओपन ब्राउजर इन ब्रिज, ब्राउजर में ओपन करना है, उसके साथ 64 बिट वाला ब्रिज ओपन हो जाता है। तो इसमें मैंने पहले फोटो अपलोड करके रखा हूँ। तो ये CRT रॉ फाइल है, इधर एक्सपोजर दिखाता है उसका कितना है, F4 160 शटर स्पीड है, ISO 100 है। तो ये सारी सेटिंग आप देख सकते हो, वही मैंने जो वीडियो में बताया वही सेटिंग पे फोटो है। ओके, इधर ब्रिज में सारी सेटिंग आ जाती है उसकी कैमरे की। तो ठीक है, चलो राइट क्लिक करके ओपन इन कैमरा रॉ इमेज। तो इसको बेसिक यहाँ से कलर टेम्परेचर जो मैंने बताया था आपको 5600 पे जो फोटो खींचा है, तो उसमें इधर से कौन सा भी टेम्परेचर चॉइस कर सकते हो। आपको नाइट का करना है, डे लाइट का करना है, या इधर से वाइट बैलेंस है, एटो, डे लाइट, कावड़ी, सैड, फंक्शन, और जो चाहिए वो उसका कलर टेम्परेचर में ये हो जाता है। तो इसका अवेलेबल लाइट का तो एकदम राइट है, जो शूट किया है वही रखूँगा। और ये जो टिंट है ये वाइट कलर, अल्ट प्रेस करना है, अल्ट, ठीक है, जितना वाइट भागे वही कंट्रोल हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है उसमें, ठीक है। और यहाँ से ब्लैक हो जाता है, सिर्फ ब्लैक, जो शैडो है यहाँ से शैडो चेंज हो जाएगा, अल्ट दबा के वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, कितना ठीक है, कॉन्ट्रास्ट 10%, एक्सपोजर, ओके, क्लियरिटी, और सैचुरेशन। ओके, तो और थोड़ा सा शैडो ज्यादा लग रही है तो उसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, एक्सपोजर चेक करता हूँ, थोड़ा सही, राइट, तो यहाँ से ल्यूमिनस और उसके जो डिटेल्स है, ल्यूमिनस और शार्पनेस, नॉइज वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो 25% के अंदर ही रखना है, ज़्यादा नहीं करने की जरूरत, जैसे शार्पनेस भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते सैचुरेशन पर, सैचुरेशन पर ये लोस, मैजेंटा,
प्रोफाइल, अनेबलनेस प्रोफाइल कनेक्शन ना, तो ठीक है। शैडो चाबीस नहीं देने, बाद में दे देंगे उसको, साइड के जो कॉर्नर है वो। यहाँ से पिक्चर स्टाइल है तो जो पोर्ट्रेट पे लिया था, ओके ये पोर्ट्रेट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फेथफुल लैंडस्केप न्यूट्रल पोर्ट्रेट, इसको मैं जो कैमरे के इधर रखूँगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और इसका एक प्रीसेट सेव कर देता हूँ मैं, जो करेक्शन किया है वो यहाँ से सेव कर सकते हैं न्यू प्रीसेट पे, ओके। तो आप यहाँ से इमेज भी सेव कर सकते हो, और मैं ओपन विथ फोटोशॉप करूँगा। इसका रेटचिंग करके लेते हैं। डिलीट का दबाना है सिर्फ, अभी डिलीट एंटर। मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, टाइम लेने के लगेगा, ओके। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट, सेंटर एवरेज, ओके। तो इसका थोड़ा कलर करेक्शन करता हूँ, एक डुप्लीकेट लेयर करूंगा, सॉरी डुप्लीकेट लेयर करने की भी जरूरत नहीं है। अरे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते और एंटर, सेंटर एवरेज, देखते कि कुछ निकलता है कि नहीं उससे, नहीं तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे करना पड़ेगा उसको। ओके, तो ये एकदम बेटर हो गया। यहाँ से भी करता हूँ मैं, ओके। तो इसको जरा सिलेक्ट बराबर से करना पड़ेगा, कॉपी इफेक्ट तो चाहिए। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, राइट क्लिक करके, सॉरी डिलीट दबाना है,
फेल में CTF5 ओके तो एकदम बेटर हो गया। ठीक है इसको भी करता हूँ मैं जरा जी डिलीट सेंटर एवरेज ओके तो इसको जो एक्शन किया है और रिटचिंग में करता हूँ मैं फास्ट F5 अपने आप ब्रश आ जाता है। अगर आपको भी ये एक्शन चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो, मैं आपको फ्री में दे दूंगा वो एक्शन। मैंने बहुत सारे एक्शन का वीडियो भी बनाया है, मेरे पास कौन सा एक्शन है जो फोटोशॉप में जो जरूरी होता है वो सारे एक्शन मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ। और मुझे फॉलो करना है, नंबर लेना है मेरा, तो आप फेसबुक पे जाके मेरा कॉन्टैक्ट ले सकते हो। चेक करता हूँ मैं कि इतना काफ़ी है। ओके अभी इसको फ्लैटन इमेज ऊपर इसको एक बार राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर। ठीक है और डुप्लीकेट लेयर होने के बाद वापस एक बार कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और फिल्टर कैमरा और फिल्टर कोई जरूरत नहीं है उसकी चेंज करने की कुछ। ओके तो इतना ठीक है तो सिल्वर थर्टी बाकी कुछ नहीं। ओके मैं अभी उसका हाइपर शार्पनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ा 2। तो एक्शन ऑफ़ फ्लैटन इमेज कंट्रोल CTF लेवल ये फाइनल प्रोसेसर हो गई। ब्रेंडिंग ऑप्शन सॉफ्ट लाइट क्वालिटी 30%
रेट एन इमेज। चेक कर लेता हूँ, ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ब्राइटनेस एकदम करेक्ट है। कहीं पर ओवर लाइट नहीं हुआ है फोटो, और डिटेल भी नहीं चले गए उसके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू।